नागपुर में वायुसेना का एयर फेस्ट 2022 का शानदार आगाज हुआ। एयर शो के दौरान इंडियन एयरफोर्स के 4 सारंग हेलीकॉप्टर और सूर्य किरण टीम के 9 प्लेन आसमान में कई तरह के हैरत अंगेज करतब दिखाए। इन करतब को देखकर हर कोई दंग रह गया। रफ्तार के साथ फूर्ती के मिलन की अनोखी तस्वीरें आप भी देखिए। आसमान की अनंत ऊंचाई और देश के वायुवीरों का पराक्रम, साहस और शौर्य के उड़ान को जिसने भी देखा वो दंग रह गया। रफ्तार के साथ फूर्ती का तालमेल गजब का था। हिंदुस्तान के वायुवीरों के इन हैरतअंगेज करतब और बेहतरीन कलाबाजी ने लोगों के रोमांच को सातवें आसमान पर पहुंचा दिया। नागपुर में भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण, एरोबेटिक्स टीम और सारंग हेलीकॉप्टर्स की टोली ने जब परवाज भरा तो सबकी निगाहें आसमान पर टिक गई। एयरपोर्ट के नागपुर स्थित मेंटेनेंस कमांड में एयरफेस्ट 2022 के नाम से एयर शो आयोजित किया गया। इस शो को लेकर शहर के युवाओं और बच्चों में जबरदस्त उत्साह दिखा। नागपुर के एयर शो में सूर्य किरण के 9 विमान शामिल हुए। हॉक मार्क 1, 2 और 3 विमानों ने एयर शो में हिस्सा लिया। इन विमानों पर करीब 20 मिनट तक लोगों की निगाहें आसमान पर टिकी रहीं। सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम ने हैरतअंगेज कलाबाजियां पेश कर खूब वाहवाही लूटी। एयर शो के लिए सभी विमान सोनेगांव एयरपोर्ट स्टेशन से ही टेक ऑफ और लैंडिंग करते हुए नजर आए। किरण के नौ जहाज जो कि हॉक मार्क 132 है, उन्होंने आसमान में उड़ान भरी और दर्शकों को 18 से 20 मिनट तक मंत्रमुग्ध किया। इसमें हमने अभी 2019 में हमने लास्ट नागपुर एयरफेस्ट में पार्टिसिपेट किया था, उसके बाद हम इस साल कर रहे हैं। तो आज रोल बैक्स, डबल कोर क्रू एंड ये सब मनूवर्स जो वो थे जो हमने पहले कभी नहीं करे हैं नागपुर में, तो हमें बड़ा अच्छा लगा क्राउड का रिस्पॉन्स देख के और नागपुर का रिस्पॉन्स देख के। नागपुर एयर शो में सारंग हेलीकॉप्टर की टीम ने भी कई साहसिक प्रदर्शन किए। सारंग टीम के 4 हेलीकॉप्टर आसमान में एक से बढ़कर एक कलाबाजी पेश करते हुए दिखाई दिए। सारंग टीम ने आकाश गंगा और एयर वॉरियर ड्रिल कर लोगों को रोमांचित कर दिया। एयरपोर्ट के जवाजों ने इस शो में कई हैरतअंगेज कारनामे दिखाए। आकाश गंगा, पैराग्लाइडिंग और पैरामोटर सेल के जवानों ने भी ऊंचाई से छलांग लगाकर साहसिक कर्तव्य दिखाए। इस एयर शो का मकसद अपनी ताकत दिखाना और युवाओं को वायुसेना में शामिल होने के लिए प्रेरित करना भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।